न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और उसके बाद उन्हें हिरासत में रखे जाने को वैध बता दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के समय ये नहीं बताया गया कि इसका आधार क्या था, इसकी वजह से गिरफ्तारी निरस्त की गई। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा तय कई मुचलके की राशि को जमा करने के बाद प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा किया जा सकता है। पुरकायस्थ को बीते साल अक्टूबर में चीन से वैध फंडिंग लेने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। पुरकायस्थ के वकील कपिल सिंबल ने उनकी दोबारा गिरफ्तारी को लेकर शंका जताई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि शर्तें तय करते समय इस शंका का भी ध्यान रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा, आदेश में जहां जमानत बॉन्ड भरने को कहा गया है वहां शंका का ध्यान रखा जाए। आप सोच रहे होंगे कि गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल माना जाता है, तो इस मामले में ये कैसे हुआ? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जैसे कि गिरफ्तारी का आधार बताना, आरोपी को अपना वकील देने का मौका देने का इस मामले में पालन नहीं किया गया। PMLA जैसे दूसरे कड़े कानूनों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। बीते साल अक्टूबर में न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद की गई थी। रिपोर्ट में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि उसने चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी करोड़पति से फंडिंग ली है। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि न्यूज़ क्लिक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। आरोपों के मुताबिक ये छापेमारी उसी मामले में की गई थी। जिन लोगों पर कथित छापेमारी की कार्रवाई की गई उसमें वेबसाइट के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिसार शर्मा, अन्निगो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार संजय राजोरा, इतिहासकार सुहेल हाशमी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोध कानून UAPA के तहत केस दर्ज किया था और इस मामले में न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इससे पहले न्यूज़ वेबसाइट और इसकी फंडिंग के सोर्स की जाँच साल 2021 में शुरू की गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद ED ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था।